देश भर में गणेश महोत्सव की धूम है। गणपति महोत्सव के पहले महाराष्ट्र पारंपरिक त्यौहार होता था, लेकिन अब इस त्यौहार को पूरी तरीके से दुनिया में बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मनाया जाने लगा है। वहीं हरियाणा के मोगा की बात करें तो मोगा में भी जगह जगह पर गणपति भगवान की स्थापना की गई है। वहीं एक परिवार ने अलग ही तरह से गणपति जी को स्थापित किया है। बता दें कि मोगा में एक गृहिणी ने अपने हाथों से 2 फीट के सफ़ेद चॉकलेट के गणपति जी की प्रतिमा बनाई हुई है। महिला ने बताया है कि वो बचपन से घर पर चॉकलेट केक आदि बनाती है, लेकिन अब उन्होंने चॉकलेट के गणपति बनाकर घर में विराजमान किए हैं। उनके घर में गणपति जी को देखने के लिए हुए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रहस्य सर, एक्चुअली मैं चाहती सी, मेरे दिमाग 'च एक दिन बैठे बैठे आया कि असी पिछले साल भी स्थापित किए सी गणपति जी, तो मेरे मन 'च ख्याल आया कि मैं चॉकलेट दे इस बार बना के खुद अपने हत्थी बनावा, तो बस उसी ध्यान नू रखते हुए मैं अपने अपने पेरेंट्स ना गल की। एक दिन यह कहन लगी कि मम्मा मेरा मन है कि मैं चॉकलेट दे गणपति जी बनावा, मैं क्या जरूर बनाओ। तो एक कहन पूछन लगी कि मम्मा कि मेरे को बन जाएंगे, मैं क्या बस तू गणपति जी का ध्यान लगा और बनाना शुरू कर दे। इन्हें गणपति जी का ध्यान लगाया और बनाना शुरू करता। सानू खुद नहीं सी पता कि इन्हों का इन्ना लुभावना रूप बनेगा, जड़ा आंदा देखदा ही रह जाता है।